प्रभु की स्तुति हो। सम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, यू हैव ब्रॉट अस ओवर हियर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, तुमने आज हमें यहाँ पर लेकर आया है। प्लीज स्पीक टू आवर हार्ट। प्रभु हमारे हृदय से बातें कर। यूर सर्वेंट्स आर हियरिंग। आपके दास सुन रहे हैं। द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती उसका 16 अध्याय। वी मत्ती 16 अध्याय 23वां वचन टू 27, 23 से लेके 27 तक पढ़ेंगे। प्लीज रीड ब्रदर। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात नहीं पर मनुष्यों की बात पर मन लगाता है। तब यीशु ने उसके अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे पीछे मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। दिस पोर्शन वी ऑफन हर्ड इन अवर चर्च। ये जो भाग है हमने काफी बार अपने कलीसिया में सुना है। बट सम ब्रदर और सम सिस्टर में थिंकिंग दैट इट इज बोरिंग। लेकिन कुछ भाई और कुछ बहन ऐसे सोचते रहेंगे कि ये बहुत उबाव है। ऑफन दिस चर्च विल प्रीच दिस ओनली। हमेशा ज्यादा करके ये कलीसिया यही बारे में बात करता है। रिपेंट, पश्चाताप करो। टेक योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। डाई टू सेल्फ। अपने आप के लिए मर जाओ। सो दिस आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो ये सारे जो बातें हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा मुख्य है। बट दोस ब्रदर्स एंड सिस्टर हु आर टेलिंग दिस इज बोरिंग, आई विल आस्क देम। लेकिन जो भाई बहन कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये बहुत उबाव है, मैं उनसे ये पूछता हूँ, हाउ मच हैव यू ओबेड दिस गॉड्स कमांडमेंट। ये सारे जो प्रभु की जो आज्ञा है ये तुमने कितना उसका पालन किया है। Do you take your cross daily? क्या तुम अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए हुए चलते हो? I ask myself. मैं अपने आप से ये पूछता हूँ। Today have I taken my cross? क्या आज मैंने अपना क्रूस उठाकर चला है? Yes, this is encouraging words to me. हम ये कह सकते हैं, हाँ ये मेरे लिए एक प्रोत्साहित वचन है। Daily God's word remembers me. प्रतिदिन परमेश्वर का जो वचन मुझे याद दिलाता है। Reminds me. मुझे याद दिलाता है। To take my cross. कि मैं अपना क्रूस उठाकर चलूं। टू डिनाई मायसेल्फ, ताकि मैं अपने आप को इनकार करूं। दैट विल सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये चीज हमारे जीवन के बहुत सारे समस्याओं को हल करेगा भाई बहनों। इफ यू वांट टू फॉलो जीसस, यदि तुम परमेश्वर का पीछा करना चाहते हो, वी हैव टू टेक आवर क्रॉस डेली। हमें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए चलना है। सो व्हाट इज मीन बाय क्रॉस? तो क्रूस का मतलब क्या है? Whether some burden in your heart, या उस तुम्हारे हृदय में कोई बोझ है? About I have very very difficult wife, brother. You don't know. क्या हो सकता है कि तुम कहोगे कि मेरे जीवन में बहुत ही कठिन पत्नी मुझे मिली है, तुमको नहीं पता? Sister, you don't know my husband. It is very hard-hearted person. तुम कह सकते हो पत्नी, बहन तुम्हें नहीं पता कि मेरा जो पति है बहुत ही कठोर हृदय वाला पति है। ब्रदर्स यू डोंट नो माय चिल्ड्रन, वेरी डिसोबीडिएंट। भाई तुम्हें नहीं पता कि मेरे जो बच्चे हैं बहुत ही आज्ञा उल्लंघन करने वाले लोग हैं। लाइक दिस सो मेनी, माय फादर इन लॉ इज नॉट परफेक्ट, माय सिस्टर इज नॉट परफेक्ट, लाइक दिस सो मेनी कंप्लेंट्स आर देयर। तो और भी ऐसे समस्या या शिकायत हो सकते हैं, मेरा ससुर बराबर नहीं है, मेरी सास बराबर नहीं है। Whether this is the cross we have to bear? क्या ये जो क्रूस है हमें उठाना है?
No, my dear brothers and sisters. नहीं भाई बहनों, ये क्रूस नहीं है. Not these burdens of this world. ये इस संसार का जो समस्या है वो नहीं है. Cross is a sacrifice. क्रूस एक बलिदान है. Denying our own will and doing God's will. अपना खुद का इच्छा को इनकार करके प्रभु का इच्छा पूरा करना. Daily, every moment. प्रतिदिन हर एक क्षण. That is the cross. ये है क्रूस का अर्थ. In first century, if we ask somebody, what is the cross? अगर पहले मैं किसको पूछूंगा तो मैं पूछूंगा, समझो कि क्रूस का मतलब क्या है. क्रॉस मीन्स वेरी क्रूयल डेथ, पेनफुल डेथ, ह्यूमिलेटिंग डेथ. क्रूस मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत, बहुत ही शर्मिंदा होने वाला मौत. ऐसा आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट इन द क्रॉस वी कैन से क्रॉस इज ए सेक्रीफाइस. लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान किए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा है बलिदान. दैट इज द एंड ऑफ द क्रॉस इज द प्लेस वेयर गॉड्स जजमेंट एंड. गॉड्स जजमेंट एंड. क्रूस का मतलब वहां पे वो जगह है क्रूस जहां पर परमेश्वर का जो न्याय है वो अंत होता है. एंड स्टार्टिंग प्लेस ऑफ गॉड्स मर्सी एंड ग्रेस. और शुरुआत का जगह है वो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का करुणा. यस, फ्रॉम क्रॉस ओनली गॉड्स मर्सी एंड लव एंड ग्रेस स्टार्ट्स. हाँ, क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर का जो अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा हमारे अंदर आया है. बिकॉज ऑफ जीसस डेथ ऑन द क्रॉस आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर. यीशु मसीह के मृत्यु के कारण ही मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, खड़ा हूँ. आई हैव बीन सेव्ड सो मेनी सिंस. मैं इतने सारे पाप के द्वारा बचाया गया हूँ. माई लाइफ चेंज्ड. मेरा जीवन बदल गया. फिर माई एम इन माई लाइफ चेंज्ड. तो फिर मेरा जो जीवन का जो लक्ष्य है वो भी बदल जाएगा. माई डिजायर चेंज्ड. मेरे जो इच्छा है वो बदल जाएगी. सो वी हैव टू टेक आवर क्रॉस डेली. तो इसलिए हमें हमारा क्रूस प्रतिदिन उठाए चलना है. एंड फॉलो क्राइस्ट. और यीशु मसीह का पीछा करना है. सो फॉलो क्राइस्ट मीन्स व्हाट? तो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने का मतलब क्या है? सो इफ यू सी जीसस लाइफ, व्हाट डिड जीसस डू एवरी डे इन हिज लाइफ? तो यदि तुम यीशु मसीह का जीवन को देखेंगे कि यीशु मसीह प्रतिदिन अपने जीवन में क्या करते थे. डेली ही डिनाइड हिमसेल्फ. वो प्रतिदिन यीशु मसीह अपने आप का इनकार करते थे. ही ऑलवेज प्रेइंग टू गॉड. और यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के लिए और प्रार्थना करते थे. ही वाज गोइंग ऑन डूइंग गुड. और यीशु मसीह लगातार भलाई करते जा रहे थे. इवन एट द क्रॉस, एट द टाइम ऑफ बिफोर डाइंग. और क्रूस के समय में भी, मरने से पहले, जीसस प्रेड लाइक दिस. यीशु मसीह ने इस तरीके से प्रार्थना किया. इट इज नॉट माय विल बट थाइन. यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया कि ये मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो. सो नॉर्मली वी सी जीसस लाइफ, ही केम डाउन फ्रॉम हेवन. तो हम आमतौर पर देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन है वो स्वर्ग से यहाँ पर आए हमारे लिए. ही केम एज ए मैन. वे एक मनुष्य के रूप में आए यहाँ पर. देन केम एज ए सर्वेंट. और फिर एक दास के स्वरूप उन्होंने धारण किया. ही फॉरसेक हिज पावर, ग्लोरी, एवरीथिंग. यीशु मसीह ने अपना जो सामर्थ, अपना महिमा, सब कुछ टुकरा दिया. बाइबल सेज ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. वचन कहता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया. मोर देन दैट, ही बिकेम सिन फॉर अस. उससे भी ज्यादा बढ़कर वो पाप बन गया हमारे लिए. हाउ मच ही डिनाइड हिमसेल्फ, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का कितना इनकार किया होगा. वी क्लेम आवर राइट. हम अपना हक के बारे में हम कोशिश करते हैं. आई एम हस्बैंड, माय राइट इज यू शुड सर्व. हम कहते हैं कि हाँ, मैं पति हूँ, मेरा हक है कि तुम मेरी सेवा करनी चाहिए. यस, आई एम वाइफ, यू हैव टू अर्न मनी टू फुलफिल माय डिजायर. और पत्नी कहेगी कि हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हें मेरे लिए कमाना है और तुम मुझे सेवा करना. यू सी, सो मेनी राइट्स वी आर क्लेमिंग एज वन विद राइट्स. हम देखते हैं कि हम इतना सारा हक के लिए हम घोषित करते हैं कि हम ये सारे हक के द्वारा हम पैदा हुए. देन इवन जीसस व्हेन ही लिव्ड इन द अर्थली लाइफ, by his thoughts, by his words, by his deeds, he never did as his own.
और फिर यीशु मसीह के जो सोच विचार यीशु मसीह के कार्य के द्वारा भी यीशु मसीह ने खुद के अपने आप से कुछ भी खुद से नहीं किया उन्होंने. हाउ मच वी डू दीज थिंग्स इन अवर लाइफ्स. ये सारे जो चीज़ें हम कितना करते हैं अपने जीवन में. अवर थॉट लाइफ. हमारे सोच विचार के जीवन. बाय अवर वर्ड्स. हमारे शब्दों के द्वारा. बाय अवर एक्शन. तो हमारे कार्य के द्वारा. वेदर वी आस्क गॉड बिफोर डूइंग दैट. क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं पूछते हैं कुछ कार्य करने से पहले. Immediately our thought comes, yeah, this sister is like that, that brother is like that, he is always coming late, he is always talking here and there, he is complaining, so many complaining thoughts. हमारे बारे में हमारे अंदर तुरंत विचार आते हैं, हाँ ये भाई बराबर नहीं है, ये ऐसा है, ये हमेशा लेट आते हैं, ये बराबर नहीं है, ऐसे सारे विचार हमारे अंदर तुरंत आने लगते हैं. Judging in our mind. हमारे विचारों में हम तुरंत न्याय करने लगते हैं. Telling about this brother, this sister. हम कहते हैं इस भाई उस बहन के बारे में. By your action at home. तुम्हारे कार्य के द्वारा जो तुम घर में करते हो. We are doing our own will. हम अपना खुद का ही इच्छा पूरा करते हैं. But we change or we repent from this sin. लेकिन हमें ये सारे जो पाप है उससे हमें पश्चाताप करके मन फिराना चाहिए. Taking cross and follow Jesus Christ will change our life. अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह की ओर पीछा करना हमारा जीवन बदल देगा. It will solve all the problems in our home and office anywhere. वो हमारे सारे समस्याएं जो घर में होते हैं दफ्तर में होते हैं सब कुछ समस्याओं का हल है वो. If some problem in your home. अगर कुछ समस्या तुम्हारे घर में है. In your relationship. तुम्हारे रिश्तों में है. Then it means you did not take cross. इसका मतलब ये है कि तुमने अपना क्रूस उठाया नहीं है. You are doing or saying whatever your flesh says. तुम जो भी कर रहे हो जो भी तुम बोल रहे हो जो तुम्हारा शरीर कह रहा है तुम वो कर रहे हो. टेकिंग क्रॉस एंड फॉलो जीसस क्राइस्ट इज द वे टू पीसफुल लाइफ. अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह की ओर पीछा चलना ये एक मार्ग है शांति वाला जीवन के लिए. इट इज द हैप्पीएस्ट लाइफ. ये सबसे खुशहाल जीवन है. इट इज द वे टू एटर्नल लाइफ. और ये वो मार्ग है अनंत काल के जीवन की ओर ले जाता है. इफ यू सी पॉल्स लाइफ. अगर तुम देखोगे यीशु पॉलस के जीवन को. ही हैज टोल्ड. He told. पौलुस ने कहा. I have been crucified with Jesus. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो गया हूँ. The life I live is the life of Jesus. जो जीवन मैं जीता हूँ वो यीशु मसीह का जीवन है. Can we say like this? क्या हम ऐसा कह सकते? Can my wife say, हाँ या I am seeing Jesus in my husband's life. क्या मेरी पत्नी कह सकती है कि हाँ मेरा पति में मैं यीशु मसीह का जीवन को देखती हूँ. One should say like this, my brothers and sisters. एक व्यक्ति ऐसा कहना चाहिए भाइयों बहनों. Galatians chapter 5:24 says. गलातियों उसका 5:24 कहता है. Those who are Christ's have crucified their flesh and its passion. Crucified their flesh with its passions and desires. वचन कहता है वहाँ पर कि जो लोग मसीह के हैं यीशु मसीह की ओर रखते हैं वो लोग ने अपना जो अभिलाषा और सारी जो उनकी जो इच्छा है वो क्रूसित कर दिया है यीशु मसीह के साथ. लेट अस टेक अवर क्रॉस. तो हम सभी लोग अपना क्रूस उठाकर चले. फॉलो जीसस. यीशु मसीह की ओर पीछा करें. सो दैट आवर लाइफ बिकम ब्लेसिंग. ताकि हमारा जीवन एक आशीष का कारण बने. प्रेज गॉड. प्रभु की स्तुति हो. Thank God for the encouraging word. मैं प्रोत्साहित वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. Yeah, we heard that we have to take the cross. We have to have an interest of God. हमने अभी सुना कि हमें प्रभु का प्योर पीछा करना है, उनका दिलचस्पी रखना है, क्रूस उठाना है. So if I am in the cricket team, I will practice only the cricket. तो यदि मैं अगर क्रिकेट के टीम में हूँ तो मैं सिर्फ क्रिकेट का ही प्रैक्टिस करूँगा. सो आई विल नॉट प्रैक्टिस समथिंग फुटबॉल और वॉलीबॉल. आई विल नॉट डू समथिंग. तो मैं फुटबॉल या वॉलीबॉल उसके अलावा ये सारे खेल में प्रैक्टिस नहीं करूँगा. सो दिस इज व्हाट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग. वी हैव टू टेक अप क्रॉस. वी हैव टू डिनाई आवरसेल्फ एंड वी हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट. तो हम इसको अभ्यास कर रहे हैं कि हमें अपना क्रूस उठाकर अपने आप को इनकार करके यीशु मसीह का पीछा करना है प्रतिदिन. दिस इज माय एवरीडे सिलेबस. ये मेरा प्रतिदिन का एक स्ट्रगल होना चाहिए. रिपेंटेंस एंड फेथ. पश्चाताप करना है, विश्वास करना है. आई कैन नॉट स्किप दिस सिलेबस इन माय इवन वन डे.
तो मैं अपना जो अभ्यास को एक दिन भी इसको मैं स्किप नहीं कर सकता, उसको मैं छोड़ नहीं सकता एक दिन भी. इवन ब्रदर ज़ैक मेंशन्ड दैट इवन आई एम 80 इयर्स ओल्ड, आई एम एवरी डे आई एम जजिंग माय सेल्फ, इफ देयर इज एनी समथिंग इज नॉट क्राइस्ट लाइक आई एम रिपेंटिंग एंड कन्फेस माय सिन, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग. भाई ज़ैक कहते हैं कि मेरा 80 साल का हो गया हूँ, फिर भी मैं अपने आप का न्याय करता हूँ, और अगर मैं किसी बातों में यीशु मसीह के समान नहीं हूँ तो मैं अपने आप को पश्चाताप करके वापस मन फिराता हूँ. इफ आई एम थिंकिंग दैट आई एम ऑलरेडी I don't have anything to ask forgiveness, or I have to. I don't think I have any to judge myself. If you think like that, you are already you are like Jesus Christ now. अगर यदि तुम सोचते हो कि तुम में कोई पश्चाताप करने की बात नहीं है, तुम सब कुछ सही है तुम्हारे जीवन में, कोई न्याय करने की बात नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम अभी से ही तुम यीशु मसीह के समान बन गए हो. So we are towards pressing on the perfection. तो हम सिद्धता की ओर हमेशा लगातार आगे जाते जा रहे हैं. वी कैन नॉट नेवर परफेक्ट इन व्हेन वी आर इन द अर्थ. हम इस पृथ्वी पर रहकर कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते. इट इज एवरी डे वी हैव टू प्रैक्टिस दैट आई हैव टू रिपेंट, आई हैव टू आस्क फॉरगिवनेस, आई हैव टू जज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक द क्रॉस, आई हैव टू डिनाई माई सेल्फ. तो ये प्रतिदिन मुझे अपने आप का न्याय करना है, अपना क्रूस उठाना है, पश्चाताप करना है, मन फिरा कर यीशु मसीह के समान पीछे करना है. सो If we suffer, you know that the Peter is saying that initially he was saying that if we take cross something, if you are losing something, or if you are losing Jesus Christ, it is something going to be lost for us. तो पत्रस कह रहा था कि वचन में कि अगर हम कुछ खो रहे हैं, अगर यीशु मसीह की ओर खो रहे हैं, तो हम. Yeah, he was thinking that if we lose Jesus now, we will have something lost. तो वो कह रहा है कि यदि हम यीशु मसीह की ओर कुछ खो रहे हैं तो हम कुछ बड़ा खो रहे हैं हमारे इस पृथ्वी पर इस तरह में. बट ही डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सफरिंग. लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि दुख उठाने का आगे क्या फायदा होगा. इफ यू रीड फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पीटर एंड सेकंड पीटर ही मेंशन दैट सेवरल टाइम वी हैव टू सफर, वी हैव टू सफर, वी हैव टू सफर, इट इज मेंशन सेवरल टाइम. अगर हम पहला पत्र दूसरा पत्र देखेंगे तो उसने काफी बार वहाँ पे मेंशन किया है कि हमें दुख उठाना है मसीह के लिए. इफ यू सफर एज जीसस सफर्ड, यू विल फ्री फ्रॉम द सिन. यदि तुम यीशु मसीह जैसे दुख उठाए वैसे तुम अगर दुख उठाओगे तो तुम पाप से छूट जाओगे. इफ आई एम नॉट टेकिंग क्रॉस, इफ आई एम नॉट सफर, इफ आई एम नॉट विलिंग टू सफर, देन आई विल बी इन द सिन ओनली. यदि हम क्रूस उठाना नहीं चाहते, हम दुख उठाना नहीं चाहते, तो हम पाप में ही जीते रहेंगे. I want to read from Jeremiah chapter 12 verse 5. Jeremiah uska 12th adhyay uske 5th vachan se main padhna chahta hu. Jeremiah ka kitab uska 12:5. If you have run with footmen and they have tired you out, then how can you complete with horses? तू जो प्यादों के ही संग दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा. सो वी आर इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक वाइल यू आर विथ द इफ यू आर नॉट एबल टू मीट द इफ यू आर नॉट एबल टू रन विथ द ह्यूमन बीइंग, हाउ यू कैन रन विथ द हॉर्सेस. तो यदि तुम मनुष्यों के साथ प्यादों के साथ तुम अगर दौड़ नहीं पा रहे हो तो तुम घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे. So we also need to have a ability that we have to run along with the horses. तो हमारे अंदर वो भी एक क्षमता होनी चाहिए कि हम घोड़ों के साथ दौड़ सके. How it is possible then? तो ये कैसे मुमकिन होगा? We know one man, he was running before the horses. हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो घोड़ों से भी आगे दौड़ रहा था. We know that Elijah. हम एलिया के बारे में जानते हैं. First King chapter 18. पहला राजा. चैप्टर 18 पहला राजा उसका 18th अध्याय. वी नो दैट द स्टोरी दैट ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड ऑलवेज. हम उस कहानी के बारे में जानते हैं कि वो प्रभु की ओर हमेशा सामने खड़ा रहता था. सो वी आल्सो रीड इन रोमन चैप्टर दैट there are 12,000 people, 7,000 people, still they are not bow before the Baal. तो हम जानते हैं रोमियो की किताब में 7,000 के लोग हैं जो फिर अभी तक भी बागल के सामने झुके नहीं है.
He was telling that I am only the man, I am following the Lord. वो कह रहा था कि मैं वही एक व्यक्ति हूँ जो मैं प्रभु का पीछा कर रहा हूँ. But Brother Zach mentioned what is the difference between Elijah and the 7,000 peoples. Then Brother Zach कह रहे थे कि एलिया और 7,000 लोगों के बीच में अंतर क्या है. It was mentioned that Elijah always standing in the presence of Lord always continuously. और वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि एलिया जो है प्रभु के उपस्थिति के सामने हमेशा खड़ा रहता था. Then he prayed there are 3 years there is famine and there is no rain. और फिर उसने प्रार्थना किया कि 3 साल तक कोई भी बारिश नहीं होगा, पूरी तरह से अकाल होगा. Then we know that verse 44 first king. पहला राजा उसके 18 अध्याय में 44 वचन में देखेंगे. And came out the and it came about it at the seventh time that he said, behold a cloud as small as a man's hand is coming up from the sea, and they said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down, so that the heavy shower does not stop you. सातवीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है. एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए. सो इट केम अबाउट इन ए लिटिल वाइल दैट द स्काई स्क्रू ब्लॉक विथ अ क्लाउड्स एंड वाइंड एंड देयर वॉज ए हेवी शावर एंड आहाब रोड एंड वेंट टू जेज्रेल. वचन 45 में थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने की लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चलाया. सो आहाब इज गोइंग विद अ चैरियट. तो आहाब जो है वो रथ के साथ जा रहा है. विद हॉर्सेस, घोड़ों के साथ. सो बट नाउ वी रीड इन 46 और 46 में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देन द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज ऑन एलिजा एंड ही ग्रीड अप हिज लायन एंड आउट रन आहाब टू जेज्रेल. और तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांध कर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया. सो बिकॉज ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड अपॉन हिम ही वॉज एबल टू वॉक ही वॉज एबल टू रन बिफोर द चैरियट. और यहोवा का शक्तिशाली हाथ उसके ऊपर था, इसलिए वो जो रथ है आहाब जा रहा था उसके भी आगे वो दौड़ता हुआ जा रहा था. सो वी नो दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्सी एंड ग्रेस. तो हम जानते हैं कि करुणा और अनुग्रह के बीच में अंतर क्या है. सो मर्सी इज वी आर डन सम रॉन्ग थिंग एंड वी आर कमिटेड सम सिन देन वी आर आस्किंग फॉरगिवनेस देन गॉड फॉरगिव अस दैट इज मर्सी. और करुणा वो है कि हमने कुछ गलत किया है, कुछ पाप किया और हमने क्षमा मांगा प्रभु से और प्रभु ने हम पर करुणा दिखाकर प्रभु ने हमें माफ किया है. दैट इज ग्रेस इज डिफरेंट थिंग दैट वी आर इट इज फॉर द फ्यूचर थिंग्स वी आर नॉट वी आर वी डू नॉट वॉन्ट टू कमिट एनी सिन. और अनुग्रह वो है कि वो भविष्य के लिए है कि हम नहीं चाहते हैं कि आगे की ओर हम पाप ना करें. सो इट ऑल्सो मेंशन इन द रीसेंट कॉन्फ्रेंस ब्रदर ज़ैक मेंशन आई विल नॉट आस्क फॉर द लॉर्ड व्हाई आई कमिटेड सिन. और ब्रदर ज़ैक ने भी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं प्रभु से नहीं पूछूंगा कि मैंने क्यों पाप किया है. आई नो दैट व्हाई आई कमिटेड सिन. मैं जानता हूँ कि मैंने पाप क्यों किया है. बिकॉज द ग्रेस वॉज नॉट अपॉन हिम अपॉन मी सो दैट आई वॉज कमिटेड सिन. ये इसलिए हुआ क्योंकि अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं था, इसलिए मैंने पाप में गिर गया. देन आई विल आल्सो नॉट आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई आई डोंट हैव अ ग्रेस. और मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि मेरे अंदर अनुग्रह क्यों है, क्यों नहीं है. सो बिकॉज वी नो दैट इन द फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 मेंशन गॉड गिवन ग्रेस दोज टू हम्बल. क्योंकि पहला पत्रस 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह सिर्फ नम्र लोगों को ही देता है. सो नाउ आई नो व्हाई आई कमिटेड सिन आई डोंट हैव ग्रेस. तो अब मुझे पता चल गया कि मैंने क्यों पाप किया, क्योंकि मेरे अंदर अनुग्रह नहीं था. व्हाई आई हैव नॉट रिसीव्ड ग्रेस बिकॉज आई वॉज प्राउड. क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला, क्योंकि मैं घमंडी था. सो नाउ आई विल आस्क द लॉर्ड लॉर्ड वेयर आई एम इन विच एरिया आई वॉज सिन प्राउड इन द फर्स्ट डेज. तो मैं प्रभु से ये पूछूंगा कि प्रभु किस क्षेत्र में अपने पिछले जीवन में घमंडी रहा हूँ. सो दैट इज दिस इज वॉट इफ यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन रन बिफोर द हॉर्सेस यू कैन रन विद द चैरियट बिफोर द चैरियट. तो यही प्रभु का अनुग्रह है. अगर प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है तो तुम घोड़ों के आगे भी तुम दौड़ सकते हो, रथों के आगे भी तुम दौड़ सकते हो. द सेकेंड पार्ट वी रीड जरेमिया चैप्टर 5 वर्स 12 वर्स 5 और दूसरा भाग हम देखते हैं कि यरेमिया का किताब
If you fall down in a land of peace, how will you do in the thickest of the Jordan? Jeremiah chapter 12 verse 5. यरेमिया किताब उसका 12वां अध्याय उसके 5वें देखेंगे. Second part. उसके दूसरे भाग में कि यदि भी तू शांति से इस देश में डरा है परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा. It is mentioned in another version, if you fell down in the open ground, how you will walk in the thickest of the Jordan. तो ऐसा लिखा है दूसरे ट्रांसलेशन में कि यदि तू खुले मैदान में अगर गिर जाएगा तो तू इसराइल में कैसे गिरेगा. जॉर्डन, जॉर्डन रिवर. हाँ, तू यर्दन में कैसे करेगा. सो वी नो दैट जॉर्डन रिवर. हम जानते हैं कि यर्दन नदी के बारे में. सो व्हाट इज द रीजन दैट जॉर्डन रिवर वेंट बैक. तो इसका कारण क्या है कि यर्दन नदी जो है वो पीछे चला गया. सो दैट इज व्हाट वी आर रीडिंग इन जोशुआ चैप्टर 3. तो हम ये यहोशू उसके तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं. वी नो दिस थिंग्स. जेरेमिया जोशुआ चैप्टर 3, यहोशू उसका तीसरा अध्याय. Verse 15, I think. And when those who carried the ark, Joshua chapter 3 verse 15, and when those who carried the ark came into the Jordan, and the feet of the priest carrying the ark were dipped in the edge of the water, the Jordan overflowed its bank of the all the day's harvest. वचन 15 में देखेंगे, यहोशू 3 उसका 15. और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गया. यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता है. सो वी नो दैट व्हाई द जॉर्डन रिवर इज रिटर्न बैक. तो हम जानते हैं कि यर्दन नदी क्यों पीछे चला गया. इट इज दैट बिकॉज दे कैरीड द आर्क ऑफ द कवेनेंट ऑफ द लॉर्ड. ये इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु का जो वाचा का संदूक है वो उसने उन्होंने उसको लेकर चले थे. सो वी आर नाउ वी हैव ओपन ग्राउंड, वी हैव अ पीसफुल लैंड इन इंडिया. आज हमारे पास भारत देश में खुला मैदान है, एक शांति भरा जगह है. सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू रीड द बाइबल और हैविंग अ मीटिंग इन द होम और एनीवेयर. तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है कि हम बाइबल पढ़े या कलीसिया में कहीं पे जाए, ऐसा कोई समस्या नहीं है. बट स्टिल वी आर नॉट able to meet our if you are not able to read the word of God, if you are not able to come to the meeting or weekly meeting or anything, so if this is the peaceful time, if you are not able to come, then when if you have any difficulty that if you have a like China, they have a, they cannot meet like that. They have underground church. तो आज तुम्हारे पास शांति वाला जगह है भारत देश में, ऐसा कोई समस्या नहीं है, तो तुम बाइबल अपना पढ़ सकते हो. तो तुम नहीं पढ़ रहे फिर भी, तो तुम कब करोगे. भारत हम देखेंगे, भारत के बाहर चाइना और बाकी सारे देशों में बहुत सारे समस्याओं के द्वारा उनको जाना होता है कलीसिया में जाने, बाइबल पढ़ने में. सो दिस इज व्हाट वी आल्सो हैविंग दैट द हैबिट दैट वी हैव टू रीड द बाइबल, वी हैव टू कंप्लीट द बाइबल इन द एंटायर ईयर. तो हमारे अंदर भी एक आदत हमें लगा लेना है कि हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है और पूरा बाइबल हमको पूरे साल में खत्म करना है. सो इफ यू कैरी द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट, इन योर माइंड, देन You can pace like the Jordan River. तो तुम प्रभु का वचन अपने हृदय में लेकर चलोगे तो तुम यर्दन नदी के समान तो तुम आगे जा सकते हो. So that is what I understand that I have to read the word of God, I have to meditate everything. So this is the time I have enough time to read the Bible. If I am not if the this is the open ground like peaceful land, if I am not reading the word of God, when I will have someday this is like a wilderness life. That time I don't remember anything. तो हमें भी ऐसा निर्णय लेना है कि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे. ये शांति वाला समय हमें मिला है, शांति वाला जमीन मिला है हमें, तो हमें ऐसा समय आगे फिर नहीं मिलेगा ऐसा बोल नहीं सकते. तो अभी से हमें बाइबल अच्छे से पढ़ना है. Jesus has a wilderness life. यीशु मसीह के पास एकदम घना जंगल के समान जीवन था. He was 40 days in the wilderness. वो पूरे 40 दिन जो थे वो पूरे जंगल में थे. That time he was memorized all the Bible verses so that he was able to quote the verses and he was able to reply to the Satan. और यीशु मसीह बाइबल के वचनों से पूरे से एकदम वाकिफ थे, इसलिए शैतान के सामने यीशु मसीह वचन को कह सकते थे. This is what the Satan temptation like a Jordan river. I can overcome if I have the word of God. I have filled with the word of God. तो यही वो एक परीक्षा के समान है, यर्दन नदी के समान. तो हम सारे जो परीक्षा है, सारे जो
पाप है उसके ऊपर हम विजय पा सकते हैं प्रभु का वचन के द्वारा. डैनियल आल्सो ही आल्सो गॉन टू द कैप्टिवेट एंड दे डोंट हैव एनी बाइबल दे डोंट हैव एनी कमांडमेंट बट ही मेमोराइज ऑल द लेविटिक्स नंबर्स एंड एवरीथिंग सो दैट ही वाज एबल टू टेक अ स्टैंड दैट आई विल नॉट डिफाइल विद द फूड्स. तो दानियल भी आप देखते हैं कि वो बंदीगृह में जब उसको बंदिश में डाला गया उसके पास कोई बाइबल नहीं था लेकिन वो वचन से वाकिफ था ले व्यवस्था और बाकी गिनती वगैरह से तो इसलिए वो वहाँ पर वचन के द्वारा वो आगे स्थिर रह सका. दिस इज व्हाट आई वांट टू से मायसेल्फ दैट आई विल हैव सम विल्डरनेस लाइफ इन फ्यूचर सो आई हैव टू मेमोराइज आई हैव टू मेडिटेट ऑल द बाइबल वर्सेस सो आई कैन हैंडल लाइक अ जॉर्डन रिवर. तो इसी तरीके से हमें भी ये देखना है कि हमें आगे जाकर जगाना जंगल के समान हमें जीवन बिताना हो सकता है तो अभी से हमें बाइबल को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है उसको याद करना है. इन मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23 मत्ती चैप्टर 16 में जाएंगे वाक्य 23 मत्ती 16 उसमें वाक्य 23 जीसस टोल्ड पीटर. यहाँ पे प्रभु यीशु पत्रस को कहते हैं He turned and said to Peter, "Get thee behind me, Satan, because you are a stumbling block to me. For you are not setting your mind on God's interest but man's." उसने फिर कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है. See, Jesus called Peter his best disciple, who had got such a revelation from God that he was the son of God, that he called him Satan. तो हम लोग देखते हैं इसे पिछले वचनों में ही प्रभु यीशु पत्रस को बहुत ही बड़ा सराते हैं ये कह के कि तुझे एक ऐसा प्रकाशित ज्ञान मिला है जो दूसरों को नहीं मिला है. एंड व्हाई डिड ही कॉल सैटन दैट आल्सो जीसस टोल्ड हिम. लेकिन फिर उसके बाद वो उनको शैतान बुलाते हैं और क्यों बुलाते हैं वो भी वो बताते हैं. ही सेड बिकॉज यू आर सेटिंग योर इंटरेस्ट ऑन नॉट ऑन गॉड्स बट मैन्स इंटरेस्ट. क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है. See, whenever I put my interests on the things of man rather than the things of God, I am serving Satan. I become like a Satan. जब कभी भी मैं अपना ध्यान मनुष्य की चीजों के ऊपर लगाता हूँ इसके बजाय कि परमेश्वर की चीजों पे, तो मैं एक शैतान का कार्यकर्ता बन जाता हूँ. And that is why Jesus called him Satan. और इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु पत्रस को शैतान बुलाते हैं. Now what satanic thing did the apostle Peter say? और प्रेरित पौलुस ने उस समय ऐसी कौन सी शैतान वाली बात कर दी? He told Jesus said, "I'm going to go to die on the cross." प्रभु यीशु ने उसे कहा कि मैं जाके क्रूस पे मरने वाला हूँ. That is why God the Father has sent me to die for this purpose in this world. इसी उद्देश्य के साथ पिता परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है ताकि मैं क्रूस पे मरूं. At the age of 33, 33 साल की उम्र में. Peter thought, "Yes, such he having such a good time with the Lord. So many miracles are happening. So many people are coming to the Lord, and so many people are being healed. What is all this? How you are going to die now, son?" He said, "You should not die." तो उस समय प्रेरित पत्रस ने सोचा कि अभी अभी तो हमारा सेवकाई शुरू हुआ है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, चंगाई हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, और अभी आप यहाँ पे मरने की क्या बात कर रहे हो? He was going against the will of God. तो पत्रस यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था. Whenever we go against the will of God, that means we are not taking up the cross. जब भी हम लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्रूस नहीं उठा रहे हैं. What is the meaning of cross? क्रूस का मतलब क्या है? When Jesus tells us, "You take up your cross." जब भी प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम अपना क्रूस उठाओ. Cross means I want to do something. क्रूस का मतलब ये है कि मुझे एक चीज करना है. And God says, "Don't do that." लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो मत करो. God's will crosses my will. तो मेरी जो इच्छा है वहाँ पे या परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा के विरोध है. I want to go somewhere. God says not to go. मुझे किधर और जाना है परमेश्वर कहता है मत जाओ. And I don't listen to God. और मैं परमेश्वर की नहीं सुनता. That means I'm disobeying God. इसका मतलब ये कि मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा हूँ. All disobedience is not taking up the cross. जो कुछ भी विद्रोह हम करते हैं वो उसका मतलब ये है कि मैं क्रूस नहीं उठा रहा हूँ. That is the spirit of the devil. और यही है शैतान की आत्मा. So we were living like that. हम लोग इसी रीति से जी रहे थे. Before we came to Christ, प्रभु यीशु में आने के पहले. All people who are without Christ are living in disobedience. जो लोग भी बिना प्रभु यीशु को के हैं, जिन्होंने उनको स्वीकारा नहीं है, वो लोग विद्रोह का जीवन जी रहे हैं. It says in Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 में जाएंगे. Ephesians chapter 2.
First one. वाक्य एक एफिशियों दो वाक्य एक. And you were dead in your trespasses and sins. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. See, it describes our condition before we came to Christ. तो ये हमारे हालत का विवरण करता है प्रभु यीशु में आने के पहले. There are so many sins we were under bondage to, and so many wrong things that we are doing. हम लोग कितने सारे पापों के बंधन में थे और कितने सारे गलत चीजें थे जो कर रहे थे. And we were living in that. It's verse 2 says, in which you walk, formerly walked, according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. और यहाँ पे वाक्य दो में लिखा गया है, जिनमें तू पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है. So we all walked according to the power of the devil. तो हम सभी लोग शैतान के शक्ति या उसके अनुसार चलते थे. He is known as the prince of the power of the air. तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो आकाश के अधिकार का हाकिम है. He is a spirit that moves in the air. वो एक ऐसा आत्मा है जो आकाश या हवे में चलता है. He is a person who communicates very well. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही बढ़िया रीति से बातचीत कर सकता है. He is a very good communication engineer. बहुत ही अच्छा बातचीत करने वाला व्यक्ति है. He communicates to us. वो हमसे बातचीत करता है. Through all airwaves. सारा जो हवा संसारी हवा है. We cannot see the devil. हम लोग शैतान को देख नहीं सकते. But he is there in the prince of the air. लेकिन इस संसार के हवा में वो है. All that moves in the air through all these communicate, especially the media. खासकर मीडिया जो है, through music, संगीत, movies, picture, all the things he communicates to us. इन सभीओं के जरिए वो हमसे बातचीत करता है. And influences our mind. और हमारे सोच विचार के ऊपर असर डालता है. Television, TV. Somebody said TV is not TV. किसने कहा वो टीवी नहीं है? It's DV. वो डीवी है. What is DV? DV का मतलब क्या? Devil's vision. शैतान का विचार. When you see the television, you see the devil's programs are being communicated every day. जब तुम टीवी देखते हो तो तुम वहाँ पे शैतान के जो प्रोग्राम है जो वो तुमसे बात कर रहा है वो देखते हो. One day I was going to a neighbor's house. एक दिन मैं एक पड़ोसी के घर पे जा रहा था. Many years back when the TV was very popular. बहुत साल पहले उस समय टीवी रहना मतलब बहुत बड़ी बात रहती थी. And I saw a small child sitting in front of the TV. और मैंने वहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखा टीवी के सामने बैठा था. And one advertisement is coming. और एक advertisement आ रहा था. And that person was shaking her head like this and like that and like this. और वो advertisement में एक व्यक्ति था जो अपने सिर को एक रीति से हिला रहा था. And the child also was shaking the head like this, like that, like that. और वो टीवी में वो व्यक्ति को देख के ये बच्चा भी उसी अनुसार वो भी अपने शरीर को सिर को हिला रहा था. We see the advertisement not, we think that not important, but they are very dangerous and devilish. हम लोग को लगता है कि advertisement कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी खतरनाक है और वो भी शैतानी है. They say this is the way you must dress. क्योंकि वो लोग तुमसे कहेंगे कि इस रीति से तुम्हें भी कपड़े पहनने. These are the ornaments that you must wear. इस रीति से तुम्हें भी गहने पहनने हैं. This is the style that you must wear. ये स्टाइल है तुम्हें करना है. This is the latest fashion. ये लेटेस्ट फैशन है. But where we learn it? ये सब कहां से हम सीखते हैं? The prince of the power of the air. वो हाकिम है जो हवाओं के ऊपर ये रखता है, काबू रखता है. Nowadays we so many fashions, especially in women. आजकल हम लोग बहुत सारे फैशन देखते हैं, खासकर स्त्रियों में. They wear a blouse without a big hole in the arm. वो लोग आजकल कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे शोल्डर पे वो लोग छेद रहता है. Men don't wear like that. पुरुष ऐसा नहीं पहनते. Ladies always big hole over here. लेकिन जो स्त्रियां हैं वो लोग छेद रखते हैं. Why do they want to wear like that? तो क्यों इस रीति से लोग पहनते हैं? To show their bodies and to incite lust in men. और वो लोग अपने शरीर को दिखाएं और जो पुरुष है उनके अंदर हवस पैदा करें. And people are wearing, make the small children also wear like that kind of dresses. और वो लोग आजकल छोटे बच्चों को भी इस रीति से कपड़े पहनाते हैं. This is how the fashions come. क्योंकि इस रीति से दुनिया का फैशन चलता है. This is how the devil is the author of all the fashions. तो शैतान जो है वो सारे फैशन का लेखक है. And all these movie stars are there, his all agents. और जो हम लोग पिक्चर में जो स्टार्स को देखते हैं वो सब ये शैतान के कार्यकर्ता है. And they transmit his messages. और वो लोग उसके संदेश को आगे भेजते हैं. And we are under the influence. और हम लोग उसके असर के नीचे हैं. We can get addicted to it. हम लोग ये चीजें से के बंधन में आ सकते हैं. Earlier time there were a lot of film music and only radio was there. एक जमाना था जब ही सिर्फ रेडियो रहा करता था. And we used to get addicted to it. और लोग रेडियो के बंधन में आ जाते थे. Now people are addicted to movies. और अभी लोग पिक्चर से के बंधन में आ गए. Television. टीवी के बंधन में आ गए. Mobiles. मोबाइल के बंधन में आ गए. Without mobile they cannot survive. बिना मोबाइल के जीना मुश्किल हो गया है.
People they take the mobile, they get very restless. अगर मोबाइल किसी के हाथ से छीन लिया तो फिर वो अशांत हो जाता है. The media has got a very strong influence. The devil has got a strong influence over the lives of people. तो मीडिया के जरिए शैतान ने लोगों के जीवनों में एक बहुत ही जगह बना ली है. The whole the people of this world are controlled by the media. और दुनिया के जो लोग हैं वो लोग मीडिया के अनुसार सोचते हैं और उसके नियंत्रण में है. The Lord said, before we came to Christ, we are under the bondage of the evil one. और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु में आने के पहले जो दुष्ट आत्मा है शैतान उसके बंधन में हम थे. All people, children of all sons of disobedience are under that power. जो भी आज्ञा ना मानने वाले जो पुत्र थे वो लोग उसकी शक्ति में थे. There's a spirit of disobedience. तो उसको कहते हैं विद्रोह की आत्मा. And verse 3 says, among them you too also walked, lived in the lusts of our flesh, indulging in the desires of the flesh. And on the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest of them. वाक्य 3 में लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. And what does this media teach us? और ये मीडिया हमें क्या सिखाता है? They may teach us to enjoy our lust. वो हमें बताता है कि हमारे जो हवस है उसका तुम आनंद उठाओ. To look more sexy. और सेक्सी दिखो. To get more and more things of this world. दुनिया की जो और चीजें हैं उनको बटोरो. To become great. और दुनिया में महान बनो. And this says that because of that we don't become more godly, we become more evil. और ऐसे करने से हम लोग और धार्मिक नहीं बनते, हम लोग और दुष्ट बनते हैं. And because of that, God's anger comes upon these people. और इसकी वजह से परमेश्वर का जो गुस्सा है इन लोगों के ऊपर आता है. There are two types of children. दो तरीके के बच्चे हैं इस दुनिया में. Children of favor and children of anger. परमेश्वर के जो परमेश्वर के आशीष के बच्चे और परमेश्वर के गुस्से के बच्चे. When we live in disobedience with the children of anger. जब भी हम लोग विद्रोह का जीवन बिताते हैं तो हम लोग परमेश्वर के गुस्से के बच्चे बन जाते हैं. Adam and Eve sinned. God got angry with them and threw them out of the paradise. जब भी आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुए और उनको उस इदन के बगीचे से हटा दिया. When we also sin, we disobey God, we come under the anger of God. जब भी हम लोग भी पाप करते हैं और परमेश्वर के दंड के नीचे आ जाते हैं. And God, because God is just. क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी है. If we have disobeyed the law, God has to punish us. अगर हम लोग ने कोई परमेश्वर के नियम को तोड़ा है तो परमेश्वर का दंड हमें पाना पड़ेगा. He has to deal with unbelievers and believers equally. परमेश्वर जो है वो अविश्वासी और विश्वासी दोनों के साथ एक समान पेश आता है. And what was this great sin Peter did? और ये महान पाप क्या था जो पत्रस ने किया? Jesus got so angry and told him that you are a devil. और प्रभु यीशु उसके ऊपर गुस्से में आकर और कहा कि तुम एक शैतान हो. So please get out from here. और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने से हट जाओ. Because Peter, first of all, he began to tell Jesus to disobey God. क्योंकि सबसे पहले पत्रस प्रभु यीशु को कहने लगा कि तुम पिता परमेश्वर की आज्ञा मत मानो. He was a humble fisherman. वो पीटर पत्रस खुद एक बहुत ही नम्र मछुआरा था. Just because he got a revelation from God that Jesus is the son of God. लेकिन क्योंकि उसके पास उस समय एक प्रकाशित ज्ञान आया कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र हैं. And the early verse Jesus said, Peter, God has revealed it to you, and you will be a rock, and then the gates of heaven and the gates of hell will be given to you. और उसके पहले the keys of heaven. और उसके पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु उसको कहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें पिता परमेश्वर की ओर से आया है, इस ज्ञान के ऊपर मैं अपना कलेशा बनाऊंगा और स्वर्ग का जो चावी है वो मैं तुम्हें दूंगा. What you bind in heaven will be bound in earth will be bound in heaven and vice versa. जो तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम धरती पे छोड़ोगे वो स्वर्ग में छुड़ाया जाएगा. Jesus gave such an authority. तो इससे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पत्रस को एक अधिकार दिया. And that authority went to his head. लेकिन ये जो बात है उसके सिर में चला गया. With the result, he became very devilish. इससे क्या हुआ? तुरंत वो शैतानी बन गया. What is the main sin of the devil? शैतान का मुख्य पाप क्या है? Pride. घमंड. He became the devil because of pride. वो घमंडी बना, वो शैतान बना घमंड के जरिए. And then immediately after that, Jesus said, "I'm going to the cross. I'm going to die." और लोग देखते हैं कि पत्रस से बात करने के बाद वो बताने लगे कि कैसे उनको क्रूस पे जाके मरना है. And then the third day I'm going to rise again. और फिर तीसरे दिन मैं वापस से उठने वाला हूँ. And because suddenly Peter became so proud, he began to tell Jesus, took him aside, not like this. लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस समय पत्रस इतना घमंडी हो गया कि वो प्रभु यीशु को भी बाजू में लेके जाके उनको डांटने लगा कि नहीं ये सब नहीं होगा. See, to become proud, it takes only few minutes. तो हम लोग इससे देखते हैं कि घमंडी बनने के लिए थोड़े मिनट ही काफी हैं. And we can think high thoughts about ourselves. और हम लोग खुद के बारे में ऊंचे सोच विचार सोचने लग सकते हैं. अरे, only I got this revelation, not the other 11. कि सिर्फ मेरे पास ही ये ज्ञान आया, बाकी ज्ञानों को तो नहीं आया. I'm a very special person. मैं एक खास व्यक्ति हूँ.
यू थिंक यू आर वेरी स्पेशल दैट द डेविल यू विल बिकम लाइक द डेविल तो यदि हम लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ही खास हूं तो मैं भी शैतान के जैसा बन जाऊंगा एंड हुएवर इट इज यू मे बी द बेस्ट द चीफ डिसिपल जीसस हैज टू रिब्यूक यू और तुम कोई भी हो सकते हैं तुम सबसे मुख्य चेले हो लेकिन प्रभु यीशु को तुम्हें भी डांटना पड़ेगा इट्स गुड दैट जीसस रिब्यूक्ड Peter, otherwise he would have gone to hell. और अच्छा हुआ कि प्रभु यीशु ने उसको डांटा वरना वो नर्क की ओर जाता. That's why the Lord also rebukes us. और इसलिए कई बार परमेश्वर भी हमें डांटता है. He rebukes our proud thoughts. हमारे जो घमंडी सोच विचार है उसको डांटता है. We say we think no end of ourselves. क्योंकि हम लोग हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं. I'm so great. कि मैं इतना महान हूँ. And the Lord says these are our thoughts not good. और परमेश्वर कहते हैं कि ये सोच विचार सही नहीं है. We have humble thoughts. खुद के बारे में नम्र सोच विचार रखो. We humble ourselves and Lord we are nothing. And Lord, you have given us everything. खुद को नम्र करो बोलो कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ जो कुछ भी हो तेरे बदौलत हूँ. And these are God's interests that we take our proper place before God. और ये है परमेश्वर की इच्छा कि हम उसके सामने हमारा सही स्थान ले. Lord, you have given me everything. Whatever I've got from you. परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया है जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे से ही आया है. Lord, I want to praise you. परमेश्वर मैं तेरे को तेरी स्तुति करना चाहता हूँ. I want to seek your interest for the rest of my life. और जिंदगी भर मैं तेरे इच्छाओं की खोज में रहना चाहता हूँ. I don't want to do my will, but I want to do your will. मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा करना चाहता हूँ. Every day of my life. मेरे जीवन के हर दिन. That is the meaning of taking up my cross daily. इसी का मतलब है मैं अपने क्रूस को हर रोज उठाऊं. Not what I want to do, but what God wants me to do. ये नहीं करूं जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो करूं जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं. I should ask God, Lord, what do you want me to do today? मुझे मांगना है कि परमेश्वर आज मैं क्या करूं. Shall I go this, go here? क्या मैं इस जगह पे जाऊं? Shall I do this? क्या मैं ये चीज करूं? Sometimes we don't like to ask God. कभी-कभी हम लोगों को परमेश्वर से पूछना भी अच्छा नहीं लगता. Why? क्यों? Because many times God says no. लेकिन क्यों कई बार परमेश्वर कहेगा नहीं? We don't want to ask God. और इसलिए हम लोग पूछते नहीं. But when we go, don't ask God and do what we like, then we make a mess of our life. लेकिन यदि हम लोग पूछेंगे नहीं और हमारे इस हिसाब से चीजें करेंगे तो जीवन का खराब कर देंगे. Jesus said, "What shall it profit a man?" प्रभु यीशु ने कहा एक जगह पे कि क्या फायदा होगा एक व्यक्ति को. If he gains the whole world, यदि उसने पूरे दुनिया को प्राप्त कर लिया. He loses his own soul. लेकिन अपने प्राण को खो दिया. We get all the money of this world. हो सकता है कि तुमने दुनिया में सारे पैसे को कमा लिया. We become so famous. बहुत ही मशहूर हो गए. But what's the use? लेकिन क्या फायदा? After you die, what's the use of all those? एक बार तुम मर गए उसके बाद क्या फायदा? Nobody will remember you. कोई तुम्हें याद नहीं करेगा. Your soul will be required by God. You have to give an account to God of your life. एक दिन तुम्हें अपने प्राण का हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को. See, God has not just called us to go to heaven. परमेश्वर ने सिर्फ हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए नहीं बुलाया है. He has called us to live for Him. उसने बुलाया है कि हम लोग उसके लिए जिए. Those who live for Him will be rewarded by God. जो उसके लिए जीते हैं वो लोग परमेश्वर की ओर से इनाम पाएंगे. We just don't want to go to heaven with just pass. हम लोग सिर्फ स्वर्ग में पास मार्क लेके नहीं जाना चाहते. We must go with doing our best for the Lord. हमें स्वर्ग में हमारा पूरा जीवन पूरा कोशिश करके हमें सबसे बढ़िया काम करके जाना है. See, in the earth there are different grades of people. Here in the earth, दुनिया में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पद होते हैं. Some are poor, कुछ लोग गरीब हैं. Some are rich, कुछ लोग अमीर हैं. In heaven also there are like that. स्वर्ग में भी ऐसे रहने वाला है. There are some people who are poor and some people who are rich. कुछ लोग स्वर्ग में गरीब रहेंगे कुछ लोग स्वर्ग में अमीर रहेंगे. Jesus said those who humble themselves will be great in the kingdom of God. प्रभु यीशु ने कहा जो लोग अपने आप को नम्र करेंगे वो लोग स्वर्ग में महान रहेंगे. Those who Jesus said a meek and a quiet spirit is precious in the eyes of God. प्रभु यीशु ने कहा एक नम्र और दीन आत्मा परमेश्वर की नजरों में बहुत ही कीमती है. Those are the people who are closest to the Lord. वो लोग वो रहेंगे जो परमेश्वर के सबसे निकट. They will be singing praises to the Lord. वो लोग परमेश्वर की ओर स्तुति गाते रहेंगे. We were singing the song, there's a hallelujah meeting over there. हम लोग अभी गीत गा रहे थे कि वहाँ पे हालेलुया मीटिंग होगा. Who will be there? वहाँ पे कौन रहेगा? Humble people will be there. नम्र लोग रहेंगे. Peter, Paul and David will be there. पत्रस, पौलस, दाऊद. All people who humble themselves. सभी लोग जो अपने आप को बहुत ही नम्र करेंगे. God gives us 60, 70, 80 years to live. परमेश्वर हमें 60, 70, 80 साल देता है जीने के लिए. We just seek our own, doing our own will. We just waste our life. लेकिन यदि हम लोग ये सालों में खुद की इच्छा करेंगे तो हमारे जीवन को व्यर्थ कर देंगे. Right from our young age we should seek the Lord. हमारे युवक के दिनों से हमें परमेश्वर की खोज में लगा रहना है. Ecclesiastes chapter 12 says, remember your creator in the days of your youth. सुबोधदेशक चैप्टर 12 में लिखा गया है कि अपने सृष्टिकर्ता को याद करो अपने युवक के दिनों में. Make your decisions for the Lord. और अपने सारे निर्णयों को परमेश्वर के हिसाब से करो. See, all those who really the heroes of faith always started from a young age. हिब्रानी चैप्टर 11 में जो भी हम लोग देखते हैं विश्वास के नायक हैं वो लोग सभी लोग युवक के दिनों में उन्होंने शुरुआत की. In their teens and their 20s. अपने 20 सालों के जो उम्र में उन्होंने शुरू किया. They should not waste our life for living for the world. तो हमें जो है हमारे जीवन को दुनिया के पीछे नहीं व्यर्थ करना है. So Lord, let your will be done in my life. हमें कहना है परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो. Every day we must say, Lord, let your will be done in my life. हमें हर रोज कहना है परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो. And then we seek God's interest. और फिर हम लोग परमेश्वर की इच्छाओं की खोज में
रहेंगे. And what is God's interest? परमेश्वर की इच्छा क्या है? That we should be holy. कि हम लोग पवित्र बने. So, the Lord says, be holy as even I am holy. परमेश्वर कहते हैं पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. What is being a holy? पवित्र का मतलब क्या? Be separate. अलग रहो. Don't mix around with unbelievers and don't get all their bad habits. अविश्वासियों के साथ ज़्यादा घुल मिलो मत और उनके जो गंदे आदतें हैं वो खुद में मत लो. Don't listen to all those dirty songs and filmy songs. वो जो फिल्म के गंदे गीत हैं उनको मत सुनो. Rock music. All these things are evil. ये सारे चीज़ गलत हैं. Be holy. पवित्र रहो. Be holy in all your behavior. तुम्हारे पूरे बर्ताव में पवित्र रहो. The way you conduct your job. तुम अपने दफ्तर में किस तरीके से बर्ताव करते हो. The way you speak. किस तरीके से बात करते हो. Don't keep on gossiping and backbiting. वहाँ पे गपशप और कुड़कुड़ाओ मत. Give thanksgiving and praise and prayer. हमेशा धन्यवाद करो, स्तुति दो, प्रार्थना करो. There are so many things in our life to be changed. कितने सारे चीजें हैं जिसमें जिसको बदलना है जीवन में. And if we just waste our time, we will not be changed at all. We will have so much of sin. लेकिन यदि हम लोग हमारे समय को व्यर्थ करेंगे तो हम लोग कभी बदलेंगे नहीं, पाप में जीते रहेंगे. Then it may be that we may just scrape through heaven. हो सकता है कि बस हम लोग अंत में कैसे ना कैसे रेंगते हुए पहुंचे स्वर्ग में. Do you have an experience of scraping through an exam? क्या तुम्हारे पास कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि कोई परीक्षा में तुम बाल बाल बचे हो, पास हुए हो? 33 marks is passing and suddenly you got 33-34. और 33 मार्क है पास होने के लिए और तुम्हें 34 मिला. There many believers will scrape through. तो बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो ऐसे ही बाल बाल बच के स्वर्ग में पहुंचते हैं. All the time they're sinning and doing what they like. क्योंकि वो लोग पूरा समय धरती पे पाप करते हुए अपने हिसाब से जी रहे हैं. Last minute they say, Lord, forgive me, I want to set this right. लेकिन अंत में बोले ले, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे ले ले, स्वीकार. Lord, I'm going to die. क्योंकि मैं मरने वाला हूँ. But say, Lord, I want to live for you. I want to get good marks. I want to please you in all that I do. लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना है. हमें कहना है कि परमेश्वर मैं पूरा जीवन तुझे खुश करने के लिए बिताना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया अंक लाना चाहता हूँ. That is to seek God. इसको कहते हैं परमेश्वर की खोज में लगना. Every day of my life. हर रोज मेरे जीवन की. God has given me every day only one day, every day, one day at a time. प्रभु मुझे हर दिन एक एक दिन करके देता है. So many hours. इतने घंटे. I must be conscious of that. तो मुझे उसका ध्यान रखना है. Whatever I must do it for the Lord. जो कुछ मैं करूं प्रभु के लिए करूं. At home I must serve the Lord by washing the clothes. Whatever I am doing, do it for God. घर में मैं कपड़े धोता हूं, जो भी कुछ करता हूं वो सब मुझे परमेश्वर की ओर करना है. In office I must do it for the Lord. दफ्तर में मुझे मेरा काम परमेश्वर की ओर करना है. In the church I must do it for the Lord. कलीसिया में जो कुछ भी करता हूं परमेश्वर की ओर करना है. Small thing or big thing, whatever God is doing, I'll do it. छोटा हो बड़ा हो जो कुछ भी करना है परमेश्वर की ओर करना है. God says well done. फिर परमेश्वर कहेगा अच्छा किया. That's why the stupid and the people who don't have much talent, they do very well. और इसलिए कई बार लोग देखते हैं जो मूर्ख लोग हैं जिनके पास ज्यादा क्षमता नहीं है वो लोग परमेश्वर के राज्य में बहुत ही बढ़िया करते हैं. They are simply obedient. क्योंकि वो लोग बहुत ही साधारण हैं और लोग सीधे सीधे बात मान लेते हैं. But all the rich people, they will keep on debating and wondering all these things, criticizing when they don't do anything at all. लेकिन जो बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत ही चतुर लोग हैं, वो लोग हमेशा चर्चा में लगा रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अंत में कुछ नहीं करते. And when we do God's interest, God is well pleased with us. और जब भी हम लोग परमेश्वर की इच्छाएं करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है. But when we do man's interest, God's wrath falls upon us. लेकिन जब भी हम लोग मनुष्यों की इच्छाएं करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध, उनका जो दंड हमारे ऊपर पड़ता है. See, we are always influenced by the man's interest. हम लोग सभी लोग खुद से ही मनुष्यों की इच्छा के अनुसार चलते हैं. Through whom? किसके जरिए? One we saw all the media. हम लोग एक तो मीडिया में देखते हैं. Then there are all our friends and relatives. फिर हमारे काफी सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं. They tell us the most important thing is to make a lot of money. और वो लोग कहेंगे दुनिया में सबसे मुख्य चीज ये है कि तुम पैसे कमाओ. And the way you dress, they'll tell you how to dress. और वो लोग बताएंगे तुम्हें कपड़े भी कैसे पहनने हैं. What things you must eat. क्या तुम्हें खाने खाना है. You must always eat very good food. हमेशा बढ़िया खाना खाना है. The Lord says, best be content with whatever food you get. लेकिन परमेश्वर कहता है जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहो. If you get good food, well good. अगर अच्छा खाना मिला अच्छा है. You must be satisfied also with simple food. लेकिन अगर साधारण खाना मिला उसमें भी संतुष्ट रहो. People in this world are often influencing us. तो दुनिया में इर्द गिर्द हमारे जितने भी लोग हैं हमारे ऊपर असर डालने की कोशिश करते हैं. They are because they are influenced by the devil themselves. क्योंकि वो लोग के ऊपर शैतान का असर है. That is when their relatives tell you something, you must take it to God first. इसलिए जब कभी भी अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कोई सलाह देते हैं, सबसे पहले उसको परमेश्वर के सामने लेके जाओ. The Lord says that, and Peter said, you have been freed from all these vain manner of life that you inherited from your forefathers. और जैसे पत्रस ने अपने पत्र में लिखा है कि तुमने जो विरासत में जीवन और संसार का जीवन शैली पाया है उससे तुम मुक्त हुए हो. All our forefathers never served God. हमारे जो पूर्वज है उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं स्वीकारा या उनको सेवकाई नहीं की. They were living for the devil. वो लोग शैतान के लिए जी रहे थे. They were controlled by him. वो लोग शैतान के नियंत्रण में थे. And when we come out of the devil's power, they get angry with us. और जब भी शैतान के चंगुल से परमेश्वर में छुड़ाता है तो शैतान हमारे ऊपर गुस्से में आ जाता है. All our friends and our relatives. हमारे जो रिश्तेदार, हमारे दोस्त,
they get upset. वो लोग गुस्से में आ जाते हैं. Why you have to become different? क्यों तुम्हें अलग रहना है? Because now we serve the true and living God. क्योंकि अभी हम लोग जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं. And we have to say no. और हमें कहना कई बार नहीं. As Jesus said, get thee behind me, Satan. और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो जा शैतान. Jesus, the devil told him, see, I'm in control of all the countries of this world. एक जगह पे हम लोग देखते हैं शैतान प्रभु यीशु से कहता है कि जितने भी दुनिया में देश है उनका नियंत्रण मैं रखता हूँ. All the chief ministers, prime ministers, all the kings are under my control. जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो राजा है, सभी लोग मेरे नियंत्रण में है. If you bow down to me, I will give you all control. तुम मेरे सामने बस झुक जाओ, ये सारा जो चीज है उसका नियंत्रण तुम्हें दे दूंगा. What did the Lord Jesus say? प्रभु यीशु ने क्या कहा? Get thee behind me, Satan. सामने से हट जा शैतान. I shall only worship God, the true and living God. क्योंकि मुझे सिर्फ सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है. God will give me the whole world. और परमेश्वर मुझे पूरा दुनिया दे देगा. So that's what we should say when God, all these attractions come to us. We must say no to the devil and say yes to God. और जब ये सारे आकर्षण हमारे सामने आते हैं, हमें शैतान को नहीं बोलना है और परमेश्वर की ओर हाँ बोलना है. And that's how we serve God. और इस रीति से हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं. We serve the interests of God rather than interests of man. और इस रीति से हम लोग परमेश्वर की इच्छाएं पूरा करते हैं ना कि मनुष्य की इच्छाएं. So Jesus himself said that the devil is in charge of the ruler of this world. और प्रभु यीशु ने खुद से कहा कि जो शैतान है वो इस संसार का राजा है. Matthew, John chapter 16. योहन्ना चैप्टर 16 में जाएंगे. योहन्ना चैप्टर 16 सॉरी जॉन चैप्टर 14 योहन्ना चैप्टर 14 चैप्टर 14 वर्स 30 आई विल नॉट स्पीक मच मोर विथ यू फॉर द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग एंड ही हैज नथिंग इन मी. मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं. Who is the ruler of this world? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सरदार का, संसार का सरदार कौन है? He said it is the devil. शैतान. He controls. वो नियंत्रण रखता है. He controls all the politicians. सारे राजनेताओं के ऊपर वो नियंत्रण रखता है. You know how the politicians behave? क्या तुमने देखा है राजनेता किस तरीके से बर्ताव करते हैं? And if you follow the ways of the devil, then you also behave like that. और यदि तुम शैतान का पीछा करोगे तो तुम भी वैसे ही बर्ताव करोगे. They're very cunning. बहुत ही चतुर. Tell lot of lies. बहुत सारे झूठ बोलना. They just want great importance. वो लोग बस और मशहूरता चाहिए. And so many believers follow these things. और कई बार विश्वासी भी यही चीजों के पीछे जाते हैं. Look at so many churches. कितने सारे कलीसिया के और देखो. It's filled with the devilish people only. वहाँ पे शैतानी लोग ही भरे हैं. I once in one Methodist church in Baroda when I was there, the pastor was such a godly man. वहाँ एक बार मैं Methodist church में जाता था बरोड़ा में एक समय पे, तो वहाँ पे जो पास्टर था वो एक धार्मिक व्यक्ति था. He preached about the gospel, preached about being born again. वो सुसमाचार और नए जन्म पाने के ऊपर प्रचार करता था. But he said all the elders, all the people who controlled the committee, he said they were sold to the devil. लेकिन वो बताता था कि वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर थे, जो कमेटी के मेंबर थे, वो लोग पूरे शैतान के हाथों में सौंपे थे. Methodist church. और ये Methodist church था. See, if we don't follow the Lord, we'll be controlled by the devil. तो यदि हम लोग परमेश्वर का पीछा नहीं करेंगे तो शैतान के नियंत्रण में आ जाएंगे. If Peter can be controlled by the devil, you and I can be controlled by the devil. अगर पतरस शैतान के चंगुल में आ गया था तो हम लोग भी आ सकते हैं. And we can speak on something that should become great. और हम लोग कोई मामले के ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ चीज बोल सकते हैं, हमारी प्राथमिकता को ध्यान रखते हैं. That's why we should be very alert in our own lives. इसलिए हमें खुद के जीवन में बहुत ही सतर्क रहना है. Because the devil can also enter us. क्योंकि शैतान हमारे अंदर भी आ सकता है. And we don't read the word of God, we find that we get deceived. और यदि हम लोग परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से धोखे में आ जाएंगे. And this is a concern that we must have for ourselves and for also one another. और ये एक चिंता हमें खुद के और हमारे इर्द गिर्द के भाई और बहनों की ओर रखना है. In 2 Corinthians chapter 10, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 10 में जाएंगे. दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 10 सॉरी चैप्टर 11 चैप्टर 11 दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 11 Verse 3. Vakya 3. Says, I am afraid, lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए. See, there is a concern in our heart should be there always to be alert because Adam and Eve were deceived by the devil. तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि हमें एक हमेशा सतर्क रहना है हमारे खुद के जीवन के बारे में क्योंकि हम लोग देखते हैं आदम और हवा को भी शैतान ने भटकाया था. And what is the nature of the devil? और शैतान का स्वभाव क्या है? He's crafty. बहुत ही चतुर है. What is the meaning of crafty? बहुत ही चतुर या शाना है. Very cunning. बहुत ही शाना.
Can you give an example of crafty people? क्या तुम ऐसे चतुर लोगों के बारे में सोच सकते हो? In the world, दुनिया में, the salesmen. Salesmen. You know salesmen? क्या तुम salesmen को जानते हो? They want to get their products sold. वो लोगों को बस अपना माल बेचना है. ये बहुत अच्छा है. ये बहुत ही अच्छा है. This is very बढ़िया है. बहुत ही सही है. Buy it. खरीद लो. And जल्दी जल्दी कर लो.